कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में अवैध नशे व कोयला के अवैध कारोबार को बंद कराने ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कोरिया जिले का पटना थाना इन दिनों अवैध कारोबार के लिए जाना जा रहा है, जहां अवैध कोयला, मेडिकल नशे का सामान, बीच बाजार में गांजा की बिक्री आम बात है। ऐसे ही मामला पटना थाना के छापिया में देखने को मिला, जहां पर एक नशे का कारोबार करने वाले का आतंक जो आए दिन आने जाने वाले ग्रामीणों से मारपीट, गाली गलौज आम बात है। नशे के कारोबारी द्वारा आज फिर एक ग्रामीण से मारपीट की गई, जिसे थाने लाया गया, वहां पर भी रिपोर्ट लिखने में लेट लतीफी दिखाई गई। आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पटना थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार, अवैध कोयला, मेडिकल नशे, गांजे की बिक्री को तत्काल बंद कराने के लिए पुलिस को दी गई सूचना दी, किंतु कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई। वहां के व्यापारी खुलेआम नशे का कारोबार कर रहे हैं। आज पटना थाना क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा अवैध धंधे के विरोध में छिंदिया चौक में पुलिस प्रशासन के विरुद्ध 3 घंटे चक्का जाम व प्रदर्शन किया गया। तत्काल अवैध धंधे बंद करने की बात पर अड़े रहे ग्रामीण। क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधे के विरोध में जिला पंचायत उपाध्यक्ष वेदांती तिवारी व जनपद उपाध्यक्ष आशा महेश साहू चक्का जाम व प्रदर्शन का समर्थन किया और ग्रामीणों के साथ घंटों चक्का जाम में रोड पर बैठे रहे। वेदांती तिवारी ने क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार को जल्द से जल्द बंद करने को कहा, नहीं तो जिला मुख्यालय में पुलिस प्रशासन के धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पटना थाना के द्वारा आश्वासन दिया गया कि क्षेत्र में अवैध कारोबार को जल्द ही बंद कराया जाएगा, तब जाकर ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम खोला जाएगा। यहाँ पर जो घटनाएं हो रही है उसका पूरा मामला बताइएगा तो क्या है? इसका मामला नशीले पदार्थ का बिक्री का है। अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री हो रही है, आज नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसका रोक लगाने के लिए नशे के ही चक्कर में यहाँ अभी भी विवाद हुआ है, मार्केट हुआ है, उसको रोक लगाने के लिए ग्रामवासी से इकट्ठा हुए हैं और पुलिस प्रशासन भी आया। उससे पुलिस प्रशासन से सारे गाँव वालों का आग्रह है कि यहाँ से नशीले पदार्थ का बिक्री बंद कराया जाए ताकि ये